योगा की धूम तो चल ही रही है, साथ ही साथ T20 वर्ल्ड कप की भी धूम पूरे विश्व भर में चल रही है। और भारत में क्रिकेट तो एक इमोशन की तरह है ना, क्रिकेट को हम सेलिब्रेट करते हैं, क्रिकेट को हम कभी ऐसे इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं ना कल्पना, तो सब घरों से बाहर ही नहीं निकलते कि आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। तो आज T20 वर्ल्ड कप पे ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिस्टर राकेश थपलियाल जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। राकेश जी, पूरे भारत में पूरे विश्व में T20 की चर्चा है, T20 की बातें हैं और आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है और हम क्या क्या आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन चल रहा है और आज से तो बिल्कुल कहते हैं जो रोमांच जो है पूरे चरम पर होगा, क्योंकि सुपर 8 के मुकाबले T20 वर्ल्ड कप में शुरू होने जा रहे हैं। तो दुनिया की जो टॉप 8 टीमें हैं वो इसमें आ गई हैं। पहले तो 20 टीमें थी, तो शुरुआती लीग दौर के बाद ये टॉप की 8 टीमें आ गई। और देखिए, इसका रोमांच T20 का जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इसमें होती हैं। कि आप देखिए कि सबसे ज़्यादा विकेट अभी तक किसने लिए हैं, अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज फजल हक फारूकी ने 12 विकेट उनके नाम हैं। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान के 167 रन। जिस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा खेल रहे हों, विराट कोहली खेल रहे हों, तमाम दुनिया के सितारे खिलाड़ी खेल रहे हैं जो अपने बल्ले से पूरी दुनिया में धूम मचा चुके हैं, वो लोग पीछे छूट गए। और अफगानिस्तान के 2 खिलाड़ी जो है बिल्कुल टॉप में बल्लेबाजी और गेंदबाजी में, तो ये इसका एक बड़ा रोमांच है। न्यूजीलैंड के गेंदबाज लॉकी फर्गूसन ने 4 ओवर मेडन फेंक दिए, 3 विकेट ले लिए। T20 क्रिकेट में 4 ओवर अपने मेडन फेंक देना एक मैच के अंदर बहुत बड़ी चीज है। वहीं वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन है, उनकी वजह से 36 रन 1 ओवर में बन गए। तो एक तरफ 1 ओवर में 36 रन भी बन रहे हैं और दूसरी तरफ एक गेंदबाज 4 के 4 ओवर मेडन फेंक रहा है और 3 विकेट भी ले रहा है। तो ये बड़ा जबरदस्त मतलब ये रोमांच है इसका T20 क्रिकेट का। और लोग इतना मजा ले रहे हैं कि यूएसए की टीम, अमेरिका की टीम जो की पहली बार खेल रही है वो सुपर 8 में आ गई और उसने टीमों को चौंकाया। पाकिस्तानी जैसी टीम को सुपर 8 में आपने हरा दिया है ना। और यहाँ देखिए कि लीग मैच में नेपाल से दक्षिण अफ्रीका जैसी टीम 1 रन से जीत पाई। जी, नेपाल जैसी टीम के साथ। तो इसमें कई जो छोटी टीमें मतलब छोटे देश जो उस मायने में कि जो क्रिकेट नहीं खेलते थे उनको बड़ा अच्छा मौका मिला, बड़े सितारे खिलाड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन करने का मौका मिला। कई टीमों ने प्रभावित भी किया, सबसे ज़्यादा प्रभावित तो अमेरिका की टीम ने किया और बाकी बहुत सी टीमें ऐसी भी रहीं कि भाई जो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी उन्हें बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिला। और मुझे लगता है कि ICC इसके लिए बधाई की पात्र है कि जब इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में तो 12 टीमें ली गई थी। पहले 4 वर्ल्ड कप तक 12 टीमें, फिर 16 टीमें हुई और अब जो है 20 टीमें इन्होंने ली हैं। तो एक जो नेशन क्रिकेट की तरफ बढ़ रहे हैं उनको वर्ल्ड कप में खेलने का जो मौका मिला, जैसे न्यू पापुआ गिनी है, युगांडा है, नामीबिया है, ऐसे देश इनको खेलने का मौका वर्ल्ड कप के अंदर मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा चीज जो ICC ने किया है। जैसे कि आपने कहा कि यूएस एक अनएक्सपेक्टेड अराइवल है और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, तो आगे उनका प्रदर्शन कैसा देखा जाएगा और भारत के साथ जो उनके मैच होंगे तो व्हाट इज योर टेक ऑन द US team? देखिए, everybody is daring that they have to face USA. सब घबरा रहे हैं लोग अब उनसे। और उसमें जो हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं, जो हिंदुस्तान से कभी अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, सौरभ नेत्रवलकर हैं, हरमीत सिंह हैं, ऐसे खिलाड़ी जो हिंदुस्तान में टीमों में मौका नहीं पा सके या यूएस में काम करने चले गए, वो लोग वहाँ पर खेल रहे हैं और बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके कोचेस के लिए भी बड़ी वो चीज़ है। अब देखिए, किसी भी चीज़ को जब आप होस्ट करते हैं तो आप तैयारी रखते हैं कि हमारी टीम भी अच्छी करेगी, क्योंकि अगर आपकी टीम अच्छा नहीं करेगी तो लोग देखने नहीं आएंगे। लोगों में वो आपकी कंट्री के अंदर वो जो रोमांच होता है वो नहीं बन पाएगा। लेकिन उन खिलाड़ियों ने इन्होंने जो जिस तरीके का जबरदस्त प्रदर्शन किया है तो अपने प्रदर्शन से सबको चौंकाया है। और सुपर 8 के अंदर जो सारी टीमें सोच रही हैं कि भाई ये यूएस की टीम जो है ये कुछ भी कर सकती है, तो इसको लाइटली नहीं लेना है। सबको बड़ा इसको ढंग से देख रहे हैं कि भाई नहीं, इसको बहुत संभल के खेलना होगा इनके खिलाफ। राकेश जी, अभी तक तो भारत का शानदार प्रदर्शन रहा है, तो अभी आगे की क्या रणनीति होगी भारत की? देखिए, अब ये वर्ल्ड कप ना थोड़ा सा बदला हुआ नजर आएगा। अभी तक इसके ज्यादातर मुकाबले यूएसए में हुए, तो वहाँ की जो पिचेस थी उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। यूएस में खेलने का उतना एक्सपीरियंस हमारे खिलाड़ियों को नहीं था, तो ये अभी तक बॉलर्स का वर्ल्ड कप था। बॉलर्स इसमें ज्यादा हावी थे, खासतौर पर फास्ट बॉलर्स। स्पिनर्स उतनी भूमिका में आ नहीं पाए, उनकी तो आए तो पिटाई बहुत हुई है। लेकिन अब जो है ये वेस्ट इंडीज की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये वहाँ पर मैचेस होंगे। तो हमारी टीम में जो अभी तक स्पिनर्स हमारे बाहर बैठे रहे वो पिक्चर में आएंगे और एक जो बल्लेबाजों को थोड़ा मददगार पीछे मिलेंगी, तो अब रनों की बरसात की उम्मीद की जा रही है कि सुपर 8 में एक तो टॉप की टीम में पहुंची है तो वो बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। और क्योंकि T20 में सब चौके छक्के लगते हुए देखना चाहते हैं, कोई भी ये विकेट गिरते हुए बहुत कम लोग देखना चाहते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में विकेट गिरने का भी रोमांच लोगों ने देखा कि कैसे एक एक रन के लिए बल्लेबाजों ने संघर्ष किया। हमारे विराट कोहली जैसा स्टार खिलाड़ी जो कि T20 वर्ल्ड कप में टॉप के स्कोरर भी रह चुके हैं, वो अभी तक सिर्फ 5 रन बना चुके हैं 3 मैच में। एक मैच तो हमारा बारिश में धुल गया कनाडा के खिलाफ, लेकिन विराट कोहली से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा, तो सब लोग ये बड़ी बेताबी से देख रहे हैं कि अब ये सुपर 8 दौर में विराट कोहली कैसा प्रदर्शन करते हैं। कल ही मैच है इंडिया अफगानिस्तान का, उसके बारे में व्हाट आर द की प्लेयर्स टू लुक फॉरवर्ड टू? देखिए, आप सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि अफगानिस्तान की टीम, जैसा मैंने बताया कि अभी तक के लीग मैचों में हाईएस्ट स्कोरर उनका अफगानिस्तान का, हाईएस्ट विकेट टेकर अफगानिस्तान का, ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो अफगानिस्तान को कोई भी लाइटली नहीं ले सकता। सुपर 8 के जो मैचेस होंगे इसमें टॉप की दोनों ग्रुप से 2 टॉप टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी, तो कोई भी टीमें एक दूसरे को लाइटली नहीं लेंगी और हर बल्लेबाज गेंदबाज चाहेगा कि भाई वो अच्छा प्रदर्शन करके आगे बढ़े ताकि आने वाले मैचों में अगर आप सेमीफाइनल फाइनल की तरफ जाते हैं तो उसमें बेहतरीन वहां पर प्रदर्शन कर सकें। तो मुझे लगता है कि ये जो T20 होता है ना, इसमें किसी को आप छोटी बड़ी टीम जल्दी से नहीं मान सकते। हालांकि कुछ देखा है कि जैसे टीमें हमारी, कई ओमान की टीम है वो एक भी पॉइंट नहीं अर्जित कर पाई है ना, न्यू पपिया गिनी है वो एक भी पॉइंट नहीं अर्जित कर पाई, 39 रन पे भी टीम आउट हुई, तो वो सब चीजें भी हमने देखी हैं। लेकिन हमने यहाँ पर 200 से ज्यादा रन बनते हुए भी देख लिए हैं। तो T20 में सब चाहते हैं कि रनों की बरसात हो और बल्लेबाज भी बहुत चाहता है कि भाई मैं गेंदबाजों की जबरदस्त धुनाई यहाँ पर करें और चौके छक्के लगाएं, लोगों का भी इंटरटेनमेंट हो। तो कोई किसी को लाइटली नहीं लेगा इसमें और अच्छा संघर्ष देखने को मिलेगा। काफी टाइट मैच रहता है और खासकर केवल जब 20 ओवर्स होते हैं तो अपना बेस्ट ही परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2 मैच सुपर ओवर में गए लीग के, है ना, USA ने पाकिस्तान को हराया सुपर ओवर के अंदर, मैच टाई हुआ, उसके बाद सुपर ओवर हुआ और नेपाल जैसी टीम के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका 1 रन से जीत पाया। आप देखिए वो बड़ी राहत की सांस उन्होंने ली दक्षिण अफ्रीका ने। तो यही T20 का रोमांच है, लोग इसी को पसंद करते हैं। वन साइडेड मैच कोई नहीं चाहता। हम अपनी कंट्री के हैं, हम चाहेंगे कि भारत जीते, लेकिन हम भी नहीं चाहेंगे कि वन साइडेड मैच हो, मुकाबला हो, जरा कड़ा संघर्ष हो देखने का, तो उसमें जरा सा मजा। तो इस बार इंडिया पाकिस्तान का मैच तो हो नहीं रहा है, अब आगे नहीं होगा, तो व्हाट आर द मैचेस दैट वी कैन लुक फॉरवर्ड, जो काफी रोमांच से भरे होने वाले हैं? देखिए, पाकिस्तान से लोग उम्मीद करते थे, पाकिस्तान की टीम का वैसा प्रदर्शन रहा नहीं है, लेकिन अब सारी नजरें इसमें, लोग सोच रहे हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो हैं ये शायद फाइनल में भिड़े या सेमीफाइनल में भिड़े, कुछ अभी मतलब कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये 2 टॉप की टीमें हैं जो कि पूर्व चैंपियन है। लेकिन इसमें देखिए वेस्ट इंडीज भी है, उसने 2 बार जीते, इंग्लैंड ने 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। हमने 2007 में जब पहली बार हुआ था T20 वर्ल्ड कप तो हम उसमें चैंपियन बने थे दक्षिण अफ्रीका में 2007 में। फिर उसके बाद हम एक बार रनर्स अप रहे हैं। तो हमारी भी बड़ी इच्छाएं हैं कि भाई एक बार चैंपियन बने थे, अब की बार फिर से चैंपियन बने, ताकि यहाँ पर काफी साल हो गए, गैप काफी हो गया, तो हमारे पास अच्छे खिलाड़ी भी हैं, एक अच्छी बैलेंस टीम भी है। तो मुझे लगता है कि भारत को चैंपियन बनना चाहिए और हम चाहेंगे भी, और वो कल से पता लग ही जाएगा किस तरह का प्रदर्शन हमारी टीम कर रही है। राकेश जी, आपने 2007 में भी विटनेस किया और अभी भी, तो कैसे तुलना करेंगे, क्या कॉन्ट्रास्ट पाते हैं आप तब के मैच में और अभी के मैच में? 2007 में हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था T20 क्रिकेट जी, हमने एक मैच खेला था और हमारे जो टॉप के बड़े खिलाड़ी थे उस समय के, जैसे सौरभ गांगुली हैं, राहुल द्रविड़ हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, VVS लक्ष्मण, इन्होंने जो है वॉलंटरी कहा था कि भाई हम इसमें नहीं खेलेंगे क्योंकि माना गया ये यंगस्टर्स का गेम है। तो हमारी एक युवा टीम गई थी जिसके महेंद्र सिंह धोनी कप्तान बनाए गए थे। तो हमारे युवा खिलाड़ियों ने इतना जबरदस्त प्रदर्शन कर दिया कि चैंपियन बन गए और इन 4 में से मुझे लगता है कि खिलाड़ियों ने दिल में सोचा तो होगा कि काश हम भी इस टीम का हिस्सा होते तो एक वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा हम कहलाते। तो इस बार कहीं ना कहीं ट्रॉफी घर आने वाली है। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। देखिए, T20 क्रिकेट को ना युवाओं का खेल माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें अनुभवी खिलाड़ी की भी जरूरत होती है, वो भी बहुत बेहतरीन यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक युवाओं के अंदर जोश रहता है और वो बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं क्योंकि अच्छी टॉप क्लास फील्डिंग भी आपको इसमें चाहिए, रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी टॉप क्लास चाहिए और चौके छक्के मारने के लिए आपको हिम्मत, ताकत, फिटनेस, सारी चीजें चाहिए। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इस बार। अगर की बात की जाए, इस बार की टीम में एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जैसे कि राकेश जी ने बताया अभी। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ।